प्यारे मसीह विश्वासियों, प्रस्तुत है 15 मार्च 2021 के बाइबल पाठ। पहला पाठ नबी इसायस के ग्रंथ अध्याय 65 पद संख्याएं 17 से 21 तक से लिया गया है। पाठ का मूल वाक्य है, उसमें फिर ना तो रुदन सुनाई देगा और ना विलाप। मैं एक नए आकाश और एक नई पृथ्वी की सृष्टि करूंगा। पुरानी बातें भुला दी जाएंगी, उन्हें कोई याद नहीं रखेगा। मेरी उस सृष्टि में सदा आनंद और उल्लास रहेगा। मैं यरूशलेम को आनंदित और उसकी प्रजा को उल्लासित करूंगा। तब यरूशलेम मुझे आनंद प्रदान करेगा और मेरी प्रजा मेरे उल्लास का कारण बनेगी। उसमें फिर ना तो रुदन सुनाई देगा और ना विलाप। वहां ना तो कोई ऐसा शिशु मिलेगा जो थोड़े ही दिनों तक जीवित रहे और ना कोई ऐसा वृद्ध जो अपने दिन पूरे ना कर पाए। हर युवक 100 वर्ष तक जीवित रहेगा। जो उस उम्र तक नहीं पहुंचता वह शापित माना जाएगा। वे घर बनाएंगे और उनमें निवास करेंगे। वे दाख बारियां लगाएंगे और उनके फल खाएंगे। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। और आज का सुसमाचार पाठ संत योहन के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याय 4 पद संख्याएं 43 से 54 तक से लिया गया है। पाठ का मूल वाक्य है, जाइए आपका पुत्र अच्छा हो गया है। यीशु समारिया से विदा होकर गलीलिया गए। यीशु ने स्वयं यह कहा था कि अपने देश में नबी का आदर नहीं होता। जब वह गलीलिया पहुंचे तो लोगों ने उनका स्वागत किया, क्योंकि यीशु ने पर्व के दिनों यरूशलेम में जो कुछ किया था वह सब उन्होंने देखा था। पर्व के लिए वे भी वहां गए थे। वह फिर गलीलिया के काना नगर आए, जहां उन्होंने पानी को अंगूरी बना दिया था। कफरनहूम में राज्य के किसी पदाधिकारी का पुत्र बीमार था। जब उस पदाधिकारी ने सुना कि यीशु यहूदिया से गलीलिया आ गए हैं तो वह उनके पास आया। उसने उनसे निवेदन किया कि वह चलकर उसके पुत्र को चंगा कर दें, क्योंकि वह मरने पर था। यीशु ने उससे कहा, आप लोग चिन्ह तथा चमत्कार देखे बिना विश्वास ही नहीं करेंगे। इस पर पदाधिकारी ने उनसे कहा, महोदय कृपया चलिए, कहीं मेरा बच्चा ना मर जाए। यीशु ने उत्तर दिया, जाइए आपका पुत्र अच्छा हो गया है। वह मनुष्य यीशु के वचन पर विश्वास कर चला गया। वह रास्ते में ही था कि उसके नौकर मिल गए और उससे कहने लगे, आपका पुत्र अच्छा हो गया है। उसने उनसे पूछा कि वह किस समय अच्छा होने लगा था। उन्होंने कहा कि कल दिन के 1 बजे उसका बुखार उतर गया। तब पिता समझ गया कि ठीक उसी समय यीशु ने उससे कहा था, आपका पुत्र अच्छा हो गया है, और उसने अपने सारे परिवार के साथ विश्वास किया। यह यीशु का दूसरा चमत्कार था जिसे उन्होंने यहूदिया से गलीलिया आने के बाद दिखाया था। प्रभु का पवित्र सुसमाचार। हे ख्रीस्त, तेरी स्तुति हो। प्यारे मसीह विश्वासियों, आज के पहले पाठ द्वारा नबी इसायस
मुक्ति संबंधी भविष्यवाणी करते हैं। यदि हम नबी इसाइयस के ग्रंथ पर मनन करेंगे तो हम पाएंगे कि ग्रंथ के अंतिम दो अध्याय को भविष्य सूचक शैली में रचे गए हैं। वे एक नए आकाश एवं नई पृथ्वी का चित्रण करते हैं। अध्याय 65 के पूर्वार्ध में प्रभु मूर्ति पूजकों से अनुरोध करता है कि वे कुमार्ग को छोड़कर उसके पास लौट आए। वह हाथ फैलाए खड़ा होकर उनकी प्रतीक्षा कर रहा है। अगर वे उसकी पुकार नहीं सुनते हैं तो उन्हें उसका परिणाम झेलना पड़ेगा। लेकिन जो लोग प्रभु के दृष्टि में अच्छा काम करते हैं प्रभु उन्हें बचाएगा। वे हर तरह के दंड से बच निकलेंगे, जबकि दुष्ट अंगूर के समान कुचले जाएंगे। लेकिन आज के पाठ के द्वारा प्रभु कहते हैं कि धर्मियों को भोजन मिलेगा, जबकि पापी भूखे रहेंगे। प्रभु के सेवक आनंद मनाएंगे, लेकिन पापी दुखी होकर रोएंगे। जब प्रभु के लोग प्रार्थना करेंगे तो प्रभु उनकी प्रार्थनाओं को सुनेगा। वे प्रभु के नाम पर आशीष मांगेंगे और प्रभु उन्हें आशीर्वाद देगा। प्रभु उनके पापों को भूल जाएगा और वह उन्हें पूर्ण रूप से पुनः नया बना देगा। वह नई सृष्टि और नया यरूशलेम बनाएगा, जहां प्रभु के लोग आनंदित होंगे। वहां कोई विलाप नहीं होगा। लोग अपने घर में निवास करेंगे, दाख बारियां लगाएंगे और उनके फल से आनंदित होंगे। वे अपने परिश्रम का फल खाएंगे। विभिन्न प्रकार की बीमारियों से किसी की संतान की मृत्यु नहीं होगी। यही है नए इतिहास की आगमवाणी। सब मानव एवं जानवर शांतिपूर्वक साथ में रहेंगे। प्यारे मसीह विश्वासियों, यदि हम नबी इसाइयस की इस भविष्यवाणी की तुलना हमारे जीवन के साथ करेंगे तो हम पाएंगे कि इसराइलियों में और हम लोगों में कोई फर्क नहीं दिखाई देगा। जी हाँ, जिस प्रकार से ईश्वर ने इसराइलियों के जीवन में अनेक प्रकार के चमत्कार किए थे, उसी प्रकार उन्होंने हमारे जीवन में भी कई प्रकार के चमत्कार किए हैं। जिस प्रकार से इसराइली मिस्र देश की गुलामी में पल रहे थे, उसी प्रकार हम भारतवासी भी अंग्रेजों, राजाओं एवं जमींदारों के गुलामी में जी रहे थे। लेकिन ईश्वर ने हमें सब प्रकार के गुलामियों से आज़ाद कर हमें स्वतंत्रता प्रदान की है। हम आज जो भी हैं ईश्वर की कृपा से ही हैं। लेकिन हम भी उन इसराइलियों की तरह हठीले एवं अविश्वासी बनते जा रहे हैं। हम भी इसराइलियों की भांति अपने मुक्तिदाता को भूलकर देवी देवताओं की पूजा एवं आराधना करने लगते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि हम ख्रिस्तीय भी इसराइलियों की तरह उनके द्वारा दिए गए आज्ञाओं का उल्लंघन करते हैं। अतः यदि हम जीवन में सुख शांति एवं आनंद का अनुभव करना चाहते हैं तो हमें ईश्वर के आज्ञाओं के अनुरूप जीवन यापन करना होगा। हमें अपने पापों के लिए पश्चाताप करना होगा। यदि हम सच्चे ईश्वर से अपने पापों के लिए पश्चाताप करते हैं तो ईश्वर हमारे पापों को भूल जाएंगे और वे हमें पूर्ण रूप से पुनः नया बना देंगे। जी हाँ, ईश्वर समय और स्थान से परे है। भले ही मनुष्य अपने को सृष्टि का सर्वोत्तम प्राणी कहे, लेकिन ईश्वर के समक्ष उसका कोई मोल नहीं है। मनुष्य अपने कर्तव्यों के अनुसार सब कुछ करने की क्षमता रखता है, जो सीमित है। ये सब चीजें उसे ईश्वर से ही प्राप्त होती हैं। उन्हें नतमस्तक होने में ही हमारी भलाई है। अतः हमें हर प्रकार की घमंड से निकलने की आवश्यकता है। यदि ईश्वर हमें जीवन दे सकता है तो वह हमारी जीवन ले भी सकता है। इसलिए हमें ईश्वर पर विश्वास एवं भरोसा करने की जरूरत है। ईश्वर हमें विश्वास के साथ जीवन यापन करने को उत्साहित करते हैं। विश्वास में हमारी दृढ़ता हमारा उद्धार करती है। ईश्वर के शब्द मात्र से ही हमें जीवन मिलता है।
है, इसलिए हमें उन पर दृढ़ विश्वास रखने की आवश्यकता है, क्योंकि हमारा विश्वास ही हमारे जीवन का आधार है। इसके बल से हम क्षण भर में उनके महान चमत्कार देख सकते हैं, हम नई सृष्टि बन जाते हैं और प्रभु में आनंद पाते हैं। और आज के सुसमाचार में हम कफरनहूम के एक पदाधिकारी के दृढ़ विश्वास के बारे में सुनते हैं। उसका पुत्र बीमार था और मरने पर था। पदाधिकारी को मालूम था कि यीशु यहूदिया से गलीलिया आ गए हैं। वह यीशु के महान चमत्कारों का साक्षी था, अतः उसे पूर्ण विश्वास था कि यीशु उसके पुत्र को चंगा करेंगे। वह यीशु के पास जाकर उनसे प्रार्थना करता है कि वह चलकर उसके पुत्र को चंगा कर दे। यीशु उनके साथ नहीं गया, लेकिन उनका विश्वास देखकर उसकी इच्छा पूरी कर दी। उसने कहा, जाइए, आपका पुत्र अच्छा हो गया है। प्यारे मसीह विश्वासियों, ईश्वर मनुष्यों की इच्छाओं को पूरी करते हैं जो उन्हें हृदय से खोजते हैं। वह अधिकारी प्रभु की बातों पर विश्वास करते हुए घर की ओर प्रस्थान किया, और जैसे ही प्रभु ने कहा था वैसे ही उसने अपने पुत्र को भला चंगा पाया। और पाठ में हमने यह भी सुना कि उसके विश्वास के कारण उनके परिवार में सुख शांति एवं खुशियों का भंडार आ जाता है। जी हाँ, उसके घर में एक नई खुशी, नया जीवन और ईश्वर की महिमा प्रकट हुई। धर्मग्रंथ इस बात का साक्षी है कि जितने लोगों ने ईश्वर में विश्वास किया और ईश्वर से कृपा मांगी, उन्हें प्राप्त हुआ है। उनका जीवन बदल गया, वे नई सृष्टि बन गए। उनके अटूट विश्वास द्वारा ईश्वर की महिमा प्रकट हुई। प्यारे मसीह विश्वासियों, ईश्वर हमसे कितने दूर हैं या पास हमें हैं, यह कोई समस्या नहीं है। उनके शब्द मात्र हमारे लिए पर्याप्त है। उत्पत्ति ग्रंथ में हम पढ़ते हैं कि ईश्वर ने शब्द मात्र से इस संसार की सृष्टि की। उस अधिकारी का पुत्र लगभग 20 मील दूर था, फिर भी ख्रीस्त के शब्द मात्र ने उसे अच्छा कर दिया। यहाँ हम तीन बिंदुओं पर गौर करें। पहला, उस अधिकारी ने विश्वास किया। दूसरा, उसने यीशु के कथन अनुसार कार्य किया। और तीसरा, वह अधिकारी और उसके पूरे परिवार ने ख्रीस्त पर विश्वास किया। अतः विश्वास एक वरदान है। इसका प्रयोग हम जितना अधिक करते हैं उतना ही बढ़ता है। इसलिए इस पुण्य समय में हम भी अपना पापमय जीवन त्याग कर नई सृष्टि बने, यीशु को खोजें और उनका अनुसरण करें। संत योहन के सुसमाचार अध्याय 15 पद संख्या 17 में प्रभु कहते हैं, यदि तुम मुझ में रहो और तुम में मेरी शिक्षा बनी रहती है तो चाहे जो मांगो वह तुम्हें वही दिया जाएगा। प्रभु से हम प्रार्थना करें कि वे हमें विश्वास रूपी कृपा प्रदान करें, ताकि हम विश्वास में मजबूत बने और उनके वचनों पर विश्वास करें। आमीन। प्यारे मसीह विश्वासियों, यदि आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करना कभी ना भूलें। धन्यवाद।